महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं सुपर 30 खबरों की ओर। दिल्ली सीएम केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, एससी ने बड़ी बेंच के पास भेजा केस। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी मुहर, दोषी है केजरीवाल, बालसुरी स्वराज। दिल्ली में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रोफेशनल रेसलर और एक्टर जॉन सिन्हा मुंबई पहुंचे, अनंत अंबानी की शादी में होंगे शामिल। मुंबई में अनंत और राधिका की शादी के लिए पहुंचे सुनील भारती मित्तल। मैं जात पात नहीं मानता, जातिगत राजनीति पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। अनंत की शादी से पहले रिलायंस के कर्मचारियों को मिला गिफ्ट बॉक्स। लखीमपुर खीरी में कंधे पर बहन की लाश उठाए 5 किलोमीटर पैदल चले भाई। अंतरिम जमानत के बाद दिल्ली की अदालत ने 25 जुलाई तक बढ़ाई केजरीवाल न्यायिक हिरासत। चंबल का पानी जयपुर तक लाएगी सरकार, खर्च करने जा रही है 8,300 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर में डोली धरती, बारामूला में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। नेपाल में भूस्खलन के बाद नदी में बह गई यात्रियों से भरी 2 बस, हादसे में 7 भारतीय की गई जान। हिंद महासागर में भारत के कोबाल्ट की खोज पर भड़का श्रीलंका, आईएसए में मोदी सरकार की शिकायत। यूपी की यूनिवर्सिटी में बीटेक की आईटी ब्रांच बंद। अंबानी की शादी हुई मोदीमय, सड़कों पर पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर्स। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड निकालेगा 500 पदों पर भर्ती। बिहार को विशेष दर्जा देने की जेडीयू की मांग, तेज बढ़ेगा बीजेपी पर दबाव। एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में फेंकी 50,000 गेंदें, बने चौथे गेंदबाज। बाराबंकी के स्कूल में निकला भयानक कोबरा, छात्रों में मचा कोहराम, वीडियो वायरल। भगवान बुद्ध की तपस्थली सारनाथ में जल्द नए कलेवर में होगा लाइट एंड साउंड शो। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में होगा मसालों पर रिसर्च, खेती में होगी अच्छी पैदावार। शाहजहांपुर में दिल्ली लखनऊ हाईवे बंद, ट्रैक्टर तक डूबा। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग जारी, अब तक 270 विधायकों ने वोट डाले। अक्षय कुमार को हुआ कोरोना, अनंत अंबानी की शादी में नहीं होंगे शामिल। जम्मू में 4,400 से अधिक तीर्थ यात्रियों का 15वां जत्था अमरनाथ के लिए रवाना। उपचुनाव से पहले 14 जुलाई को होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। फेमस एक्ट्रेस और एंकर अपर्णा वास्तारी का 51 की उम्र में निधन। पूर्वी भारत में दिव्यांगों के लिए रांची में खोला जाएगा पहला विश्वविद्यालय। अनंत राधिका की वेडिंग के लिए पति संग मुंबई पहुंचे प्रियंका चोपड़ा। दिव्यांका त्रिपाठी ने इटली पीएम मेलोनी से मांगी मदद, 10 लाख का सामान पासपोर्ट हुआ चोरी। सुपर 30 खबरों में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।